उत्तर प्रदेश के ताज नगरी कहे जाने वाले आगरा में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए आगरा की ग्रीन यूनिवर्सिटी दयालबाग यूनिवर्सिटी के 3 इंजीनियरिंग छात्रों ने मिलकर स्कूटी को मॉडिफाइड कर इको फ्रेंडली बना दिया है। अब उनकी स्कूटी पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलती है। उनके अनुसार मार्केट में दोनों ऊर्जा स्रोत से चलने वाली ये पहली गाड़ी है। उनके प्रयोग के बाद अब जाम में स्कूटी प्रदूषण नहीं फैलाती है और पेट्रोल भी बचाती है। हालांकि इस फॉर्मूले का पेटेंट छात्र नहीं करा रहे हैं, पर फिर भी कॉलेज और अन्य सोर्स से फॉर्मूला पेटेंट कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अदमादापुर के महावतपुर निवासी दयालबाग यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग मैकेनिकल के छात्र पंडित विक्रांत किसान के बेटे हैं। विक्रांत गाँव के परिवेश के रहने वाले हैं और आगरा शहर में पढ़ने आने के दौरान उन्हें यहाँ के बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता होती थी और इसकी रोकथाम को लेकर वो अपना सहयोग देना चाहते थे। इस काम में उनका साथ दिया उनके दो दोस्त ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा करने वाले चंद्रवीर और कपिल ने। तीनों ने मिलकर 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अपनी स्कूटी को बैटरी और पेट्रोल दोनों से ही चलने वाला बना दिया। इस काम को करने के लिए उनके पास से 29,000 रुपए भी खर्च हो गए हैं। अब उनकी स्कूटी पेट्रोल से स्टार्ट होती है और वो जब चाहे स्कूटी को चलाते हुए पेट्रोल से बैटरी मोड पर ला सकते हैं। विक्रांत के अनुसार जाम लगने पर गाड़ियां प्रदूषण फैलाती हैं और पेट्रोल का भी नुकसान करती हैं। इस दौरान चालक को स्पीड की जरूरत नहीं होती है। हमारे प्रयोग के बाद गाड़ी को जाम लगने पर आप बैटरी मोड पर चला सकते हैं। स्कूटी में उन्होंने अगले पहिए में 250 वॉट की मोटर लगाई है। पंडित विक्रांत रावत कहाँ पढ़ते हैं? दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्या कोर्स कर रहे हैं? बीटेक मैकेनिकल विद मैकेनिकल। अच्छा, आपने एक ऐसा जो एक्टिवा को मॉडिफाई किया है कि उसमें पेट्रोल के साथ साथ बैटरी से भी चलेगी, क्या किस तरह से पूरा? यस सर, उसमें बैटरी के साथ में हमने मोटर लगाई हुई है। 250 वॉट की मोटर है जिसके साथ में 250 वॉट की एक मोटर है जिसमें 4 बैटरीज और लगी हुई है। 20 AH की एक बैटरी है, वो 4 बैटरी सीरीज में 48 वोल्ट का इसका सिस्टम है। पूरा कंट्रोलर वगैरह लगे हुए हैं जिससे हमें इंजन पे और बैटरी दोनों एक साथ रन कर सकते हैं। जैसे अगर हम जिम में चल रहे हैं तो जिम में हमें केवल स्पीड की जरूरत नहीं होती, केवल मूवमेंट की जरूरत होती है, तो वहाँ पर हम इसे बैटरी से रन कर सकते हैं जिससे हमारा फ्यूल बचेगा। अच्छा, ये दिमाग में आइडिया कैसे आया? सर ये क्योंकि आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन को देखते हुए, क्योंकि मोस्टली पॉल्यूशन जिम वगैरह की वजह से बढ़ता है, जहाँ में खड़ी खड़ी गाड़ी चलती रहती है। ऐसी कितनी गाड़ियाँ हैं जो बैटरी? सर मार्केट में ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है। मार्केट में जो गाड़ियाँ हैं वो या तो बैटरी ऑपरेटेड है या केवल इंजन ऑपरेटेड है। डबल मल्टी नहीं है? हाँ, मल्टी नहीं है, लेकिन बैटरी वाली में जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मान लो आप 20 किलोमीटर चल के गए और आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आप उसे इंस्टेंट चार्ज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस गाड़ी की काफी हेल्प मिलेगी। क्या कितना कितना बैटरी चार्ज करने के लिए क्या अलग सिस्टम है या ये गाड़ी चलते में ही? नहीं सर, बैटरी चार्ज करने के लिए दोनों सिस्टम है। अगर गाड़ी चल रही है तब भी इसकी बैटरी चार्ज होती है, और अगर गाड़ी को हम वैसे चार्ज करना चाहें, अगर हम 1 लीटर पेट्रोल में आपकी एक्टिवा से 50 किलोमीटर चलते हैं तो बैटरी लगाने के बाद ये जस्ट डबल हो जाएगी? नहीं, बैटरी लगाने के बाद जस्ट डबल नहीं होगी सर, लेकिन बैटरी अगर हम फुल चार्ज कर और 50 अगर हम बैटरी इसको फुल चार्ज करके चलेंगे घर से तो हम 50 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल सकते हैं। एक्स्ट्रा चलेंगे सर। मान लीजिए हमारी बैटरी चार्ज नहीं है, उसके बैटरी चार्ज से चार्ज हुई है, तो पेट्रोल से चार्ज हुई है तो पेट्रोल से हमें 10 या 20 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल सकते हैं। 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी अगर हम ये जोड़े तो लोगों को एवरेज से भी काफी फायदा मिलेगा इससे। जो 50 रुपए 1 लीटर पेट्रोल में जो 50 चलता है वो 70 चल पाएगा। इसके अलावा चार्जिंग, इसमें क्या चार्जिंग में कितना खर्चा आता है? इलेक्ट्रिसिटी? सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग में इसका ये है कि इसे हम 4 to 5 आवर में इसे चार्ज कर सकते हैं, और 4 to 5 आवर में ये लगभग 17 यूनिट समथिंग देती है। अच्छा, कितने दिनों में तैयार कर दिया था पूरा ये सिस्टम? सर इसे तैयार करने में 15 डेज हमें लगे, लेकिन सामान कलेक्ट करने में सकता है हमें ज़्यादा लगा। कितना खर्चा आया होगा इस पर? सर इस पर बैटरीज को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग 20,000 बैटरीज करने के लिए, बैटरीज को अलग करने के बाद दोनों के साथ बैटरीज 9,000 के समथिंग बैटरीज आती है सर। 29,000 रुपये में आपने ये पूरा डिवाइस अपना मेंटेन किया। उत्तर प्रदेश से फरहान खान की रिपोर्ट।